भारत बंद होना चाहिए लेकिन उसका आउटकम भी निकलना चाहिए। दिस इज अ पॉलिटिकल बैटल, सड़क पे लड़ी जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज करो, नेताओं से सवाल पूछो। आप सर, राजस्थान में जिस तरह से एक जातिवाद की, मतलब इससे ज़्यादा भयंकर तस्वीर शायद मैंने देखी नहीं है कि उनको टॉर्चर किया गया, दो एससी वर्ग के लड़कों को, और पेट्रोल डाल दिया गया उनके पार्ट्स में, प्राइवेट पार्ट्स में। आप किस तरह से देखते हैं इस घटना? देखिए, हम इस पे अचंभित नहीं हैं क्योंकि इतिहास के छात्र होने के नाते मैं समझता हूँ कि संस्कृति और समाज को समझना चाहिए, पूरे उसके मानसिकता को। हजारों साल का कोढ़ है ना, कैंसर है ना, जो सड़ा हुआ चीज, जो जातीय दंभ है, वो एक दिन दो दिन में, साल दो साल में, 50-60 साल में जाएगी नहीं। आप राजस्थान वाली घटना से लेकर पूरी जितनी घटनाएं हुई है उठा लीजिए, भारत भर में आंकड़े उठा लीजिए, जितने महिलाओं का इस तरह से, चाहे ऊना कांड हो, दलितों को मारे जाते हैं, इसमें ज़्यादातर 99% आपको केस होंगे आदिवासी होंगे या दलित होंगे, ज़्यादातर दलित होंगे। ये आखिर ऐसा क्यों होता है? ये एक तरीके से अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है कि एक दलित का बलात्कार करो, उसका वीडियो बनाओ, नंगा घुमाओ, पैर पर टांग दो, सड़ेआम पीटो। तो ये अनुष्ठानिक यज्ञ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सोच है कि भाई हजारों साल से दलित हमारी सेवा करते आए हैं और ये ऐसे चलेंगे, ऐसे बोलेंगे, तो वो एक घटना के थ्रू वो पूरे समाज को डराने की कोशिश करता है। ये समझने की बात है, ये पूरे समाज को आतंकित आप कर दो, इसलिए इस तरह के अनुष्ठानिक, जो दलितों के वध के, उनके बलात्कार के, उनके हिंसा के अनुष्ठानिक आयोजन किए जाते हैं। आप पढ़िए बाबा साहब को, बाबा साहब ने क्या लिखा था कि किसी हिंदू से पूछो, हिंदू मतलब सवर्ण हिंदू, कि कोई दलित अस्पृश्य वो अच्छा नामकरण करता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छा मकान बनवाता है, उसके जीवन में तरक्की हो रही है, प्रोन्नति हो रही है, तो इससे आपको क्या दिक्कत है? तो बोलेगा वो हिंदू कि सवर्ण हिंदू कि जिसको आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के प्रति विद्रोह है। तो बात समझिए, इस धर्म में, जो हिंदू धर्म है, ये हेट्रेड, ऊंच नीच, भेदभाव की भावना पे आधारित है। इसलिए एक इसमें पॉजिटिव एंगल ये भी देख सकते हैं कि पहले एक डंडा में पूरे गांव की बस्ती हाँक लेते थे, भगा देते थे, लेकिन अब जो है ना, वीडियो बनाना पड़ रहा है, गोली मारना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि दलित रेसिस्ट भी कर रहे हैं। दलित अब थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, मूंछ रख रहे हैं, रेबन लगा रहे हैं। तो जो परंपरागत सोच वाले लोग हैं उनको लगता है, अच्छा ये फलना जात का बेटा बुलेट से चलेगा, ये ऐसे जींस पहनेगा। तो ये संस्कृतियों का टकराव है, जो चाहते हैं हजारों साल से कि दलित जो वंचित जमात है, अछूत है, शूद्र हैं, वो उसी तरीके से दबे कुचले रहें। ये है पूरा टेंशन, इसको समझे जाने की ज़रूरत है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर इतना हौसला 21वीं सदी में, जबकि सोशल मीडिया घर घर में उसकी रीच है, और जो राजस्थान की घटना हुई है मैंने इसे मीडिया ने नहीं दिखाई, वो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आया है। तो आखिर ये इतना, ये हौसला, इतना आत्मविश्वास, ये कहाँ से आता है कि आप मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जला रहे हैं, रेप कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं? तो ये हौसला, इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि ज़्यादातर पुलिस के अधिकारी और मजिस्ट्रेट भ्रष्ट होते हैं। अगर भ्रष्ट ही हों तो कोई बात नहीं है, भ्रष्ट को तो कोई भी पक्ष खरीद सकता है, लेकिन वो भ्रष्ट ही नहीं होते हैं, भ्रष्ट होने से ज़्यादा पक्षपातपूर्ण होते हैं। तो जब जब उनको दलितों के केस में बुद्धि और विवेक का उपयोग करना होता है, वो अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग सवर्णों के पक्ष में करते हैं और दलितों के विरोध में करते हैं। इसीलिए ये जो अपराध करने वाले लोग हैं, ये समझते हैं कि भाई पुलिस थानेदार हमारा, मजिस्ट्रेट हमारा, मंत्री हमारा, सारा सिस्टम हमारा, मीडिया हमारा, जो मर्जी है कर लो, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो ये वहाँ से ये मानसिकता आ रही है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये देश और दुनिया और समाज सब बदल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, दिखाए या ना दिखाए, सोशल मीडिया से बात पहुँच रही है, लोग सड़क पे आ रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं। अगर सरकारें ये काम, सरकार देखिए, कई लेयर का प्रॉब्लम है, ये घर का मामला है, ये समाज का मामला है, ये संस्कृति का मामला है, ये सरकार का मामला है। अगर सरकार में पॉलिटिकल विल पावर हो तो चाहे चुनाव हारे या जीते,
ऐसे अपराधियों को तुरंत उसको त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, उसको स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए, कुर्की जब्ती करना चाहिए, इनके संपत्ति जब्त करना चाहिए, कानूनी तरीके से तमाम जो हो सकते हैं उपाय वो उपाय किए जाने चाहिए अगर पॉलिटिकल विल पावर है तो। दूसरे, हमारे नेता जो संसद विधानसभा में बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर राज्य सरकार में पॉलिटिकल विल पावर नहीं है तो उसको मजबूर करो, तुम एक्शन इस पे लो। तो ये एक तो प्रशासन और राजनीति का मसला है, दूसरा देखिए ये हौसला कहाँ से आ रहा है। भारत में कहते हैं कि घर जो है ये प्राथमिक पाठशाला है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर घर, मैं सब घर की बात नहीं कह रहा, लेकिन ये इफ स्कूल इज अ फर्स्ट पाठशाला देन इट इज़ अ बैड पाठशाला। कि जात पात भेदभाव ऊंच नीच किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं बैठना है ये कहाँ सिखलाता है? तो कौन सिखलाता है उनको कि स्कूल में किसके साथ बैठना है नहीं बैठना है, कौन किस जात का है, ये घर में सिखलाया जाता है। मैं शिक्षक हूँ, मैंने किसी छात्र को नहीं सिखलाया कि तुमको भ्रष्टाचार करना है, तुमको किसी महिला को छेड़ना है, तुमको कोई गड़बड़ करना है। मैं हर समय उसको एक आदर्श दुनिया की बात करता हूँ, जिसमें जो बेगमपुरा और प्रेमनगर की बात मैं करता हूँ, जिसमें सब लोग समान इज्जत से रहें। तो ये परिवार ही है जहाँ उस समस्या की जड़ है, जहाँ परिवार, उसके बाद स्कूल। आप जाके देखिए जितने अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं उसमें एंटी दलित पहले पढ़ाया जाता है कि रिजर्वेशन तो बहुत ख़राब है, ये है। मेरा बेटा पढ़ता है दिल्ली के बड़े स्कूल में, उसको टीचर को मैं जानता हूँ कि रिजर्वेशन पे बहस कराती है। मेरा बेटा बोला कि रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, तो सारे क्लास चुप। तो स्कूल और समाज, देखिए कुछ घटनाओं में किसी भी तरह के हिंसा के हम खिलाफ हैं, महिलाओं के हिंसा के खिलाफ तो एकदम सख्त हैं, लेकिन कुछ घटनाओं में जंतर मंतर भर जाता है, इंडिया गेट में मोमबत्ती लग जाता है। यही सिविल सोसाइटी के लोग अपने जात के लोगों को अपने घर में नहीं सिखलाते हैं कि कैसे, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, महिला उसको इज्जत करना चाहिए। वो क्यों नहीं इस पर प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों नहीं मोमबत्ती जलाते हैं? इसका कारण सिंपल है कि उस वर्ण व्यवस्था से इनको सस्ता घरेलू मजदूर मिलता है, इनको सब कुछ फ्री में उसमें मिल रहा है, तो उस वर्ण व्यवस्था का लाभ लेते हैं। इसीलिए जब दलितों पर अत्याचार होता है, पिछड़ों पर अत्याचार होता है, महिलाओं पर होता है, या फिर आदिवासियों पर अत्याचार होता है, इस तरह की घटनाएं रेप की, हिंसा की होती है, तो यही नागरिक समाज जो कुछ केसेस में तो पूरा दिल्ली जाम कर देता है, इंडिया गेट पे मोमबत्ती बांट देता है, ऐसे केसेस में नहीं बोलता है, तो ये इसका कारण सर समाज के लेवल पे भी प्रॉब्लम है। सो इट इज़ ए मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम। सर, जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार है, हिंदू राष्ट्र की तमाम नेता जो है बात करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात भी कही जाती है कि जाति भेदभाव, छुआछूत, ये सब पुरानी बातें हैं, अब जो है समाज बदल रहा है। उसी दौर में हम देखते हैं कि गुजरात में एक आर्मी के जवान को जो है दूल्हा बनकर घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, और कानपुर देहात में जो है भीम शोभा यात्रा करने पर जो है हमले कर दिए जाते हैं 35 दलितों के घरों पर। तो क्या और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती जा रही है? डेफिनेटली, और इसका जवाब मेरे पहले आंसर में कि जैसे जैसे दलितों के जीवन में सुधार होगा, जैसे जैसे उनकी शर्ट सफ़ेद होंगे, जैसे जैसे उनके कपड़े ब्रांडेड होंगे, जैसे जैसे उनके घर में कूलर की जगह एसी लगेगा, मारुति की जगह मर्सिडीज आएगा, जैसे जैसे उनके जीवन में सुधार होगा, बेहतर होगा, वैसे वैसे तनाव ये बढ़ेगा। और उनसे नहीं लड़ेंगे तो वो बदला कहाँ निकालते हैं? तो गाँव के मजदूर से निकालते हैं, काम करने वाली नौकरानी से निकालते हैं, क्योंकि उनके जहन में कहीं ना कहीं संस्कृति का मसला है। उनको लगता है कि ये चमार का बेटा ऐसे रहेगा, ये भंगी का बेटा ऐसे रहेगा, तो ये संस्कृतियों की लड़ाई है। तो ये जो लोग कहते हैं कि जात पात खत्म हो रहा था, उन्हीं को जाके ये सवाल पूछिए कि इतनी जो घटनाएं हो रही हैं, फौजी का आदमी वो भी तो राष्ट्रभक्त है, वो भी देश के लिए लड़ रहा है, तो जब राष्ट्रभक्तों को घोड़े से उतारा जा रहा है तो आप क्या समझ रहे हैं कि देश में ये भेदभाव दमन? मैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूँ केस, तो मैं जानता, मैं तो विश्वविद्यालयों में मैं देख रहा हूँ, मैं तो विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, और विश्वविद्यालय देखिए जाति व्यवस्था ऊंच नीच भेदभाव कोई निर्धन गरीब ब्राह्मण ने नहीं बनाई, ये बनाई है पढ़े लिखे सिद्धांतकार ब्राह्मणों ने। तो जहाँ जहाँ पढ़े लिखे लोग सिद्धांतकार ज़्यादा रहेंगे वहाँ ये भेदभाव ज़्यादा होगा, चूँकि कानून है तो उसलिए खुल के बोलेंगे नहीं, आपको मारेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, लेकिन दिमाग में रखेंगे आपको कहां काटना है, खट से काट देंगे, कहां आपको दबाना है, खट से दबा देंगे। बता देना मोदी सरकार के कितने वाइस चांसलर SC ST बनाए हैं, कितने रिक्रूटमेंट
डिपार्टमेंट हो रहे हैं, तो हमें तो दिखा रहा हो देखो कौआ जा रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान देखो, और इधर जितना जो सरकारी उपक्रम है वो तो बेचे जा रहे हो, LIC बिक रहा है, नवरत्न कंपनी बिक रही है, ट्रेन बिक रहा है, सब कुछ बिके जा रहा है, तो ये लीला है। और सीधा सीधा ब्राह्मणवाद पूंजीवाद का गठजोड़ हो गया है हमारा समाज। देखिए मैं कल 2 बजे रात में आया हूँ, आप ही के ज़िला में था मैं मुरादाबाद, अब बैग साथ में अभी पटना जा रहा हूँ, पटना कल प्रोग्राम करूँगा, रात में लौटूंगा, मंडे को क्लास पकड़ूंगा, तो 5 दिन पढ़ाता हूँ, 2-3 दिन जो है देश के तमाम भागों में समाज को जगाने जा रहे हैं कि उठो जागो। तो हमारा काम वोट नहीं मांगते हैं, किसी से चंदा मांगते हैं, किसी का 1 रुपया नहीं जानते हैं, तो जगाने जा रहे हैं, जगेगा तो जगेगा, नहीं जगेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये लड़ाई ये कोर्ट में नहीं लड़ी जाती, ये लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाती है, और जो समाज सड़क को कंट्रोल करता है वही समाज संसद को भी कंट्रोल करेगा। लोहिया कहते थे ना कि सड़कें जब सुनसान होंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। सर एक सवाल ये है कि SC ST OBC के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, और ये कांवड़ का महीना चल रहा है, और समाज के लोग जो है बहुजन समाज के लोग उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये लड़ाई एक दिन का तो है नहीं, 2500 साल से गौतम बुद्ध के ज़माने से चल रहा है। तो हमारे नेताओं ने जो समाज के अगुआ थे उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर वो स्कूल बनवाए होते, फातिमा शेख स्कूल, सावित्री बाई फुले स्कूल, तो वहाँ जाके वो वैज्ञानिकता चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, वहाँ संत रविदास को पढ़ाते, कबीर को पढ़ाते, बुद्ध को पढ़ाते, फातिमा शेख पढ़ाते, सावित्री बाई फुले पढ़ाते, साहू जी महाराज पढ़ाते, ये पढ़ाते। हमारे नेता समझते हैं कि हम MP बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे ना तो समाज बदल जाए, कुछ ना होता है पार्लियामेंट में। OBC तो प्राइम मिनिस्टर है, दलित राष्ट्रपति है, और वर्ण व्यवस्था का यही तो रूल है, एक को उठाओ राजा बना दो, बाकी जमात के पूरी हकों की हितों की हत्या कर दो। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों है, तो अब 300 तो MP होगा SC ST OBC, तो काहे है कि दलित पिछड़ों की हकमारी हो रही है। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये इंस्टीट्यूशन के थ्रू काम करता है, ये इंस्टीट्यूशन के थ्रू काम करता है। आपके पास विश्वविद्यालय नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, आप अपने जमात को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अरे हम तो जो पढ़ते हैं, जितना औकात है मेरी 5000 लोग सुने, 2000 लोग सुने, जाके बात कह तो रहे हैं कि जब तक आप स्कूल नहीं खोलेंगे तो दुनिया मानने वाले लोगों का है, नास्तिक लोग बहुत कम होते हैं, तो मानने वाले लोग हैं, तो आप अपना स्कूल नहीं खोलिएगा तो दूसरे के जिसके स्कूल में जाएगा उसी की भाषा बोलेगा, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप तो जो है खोलते नहीं, तो वहाँ जाके पंडित जी उसको बंधा इसे बांधते हैं, आप बोलते हैं जूतनिया ग्रह लगा, जूता दान करो, तो जितना उसे घर घर में घुसा हुआ है कर्मकांड पाखंड उसको पढ़ा रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे समाज के जो अगुआ हैं, जो नेता हैं, जो MP हैं, जो कलेक्टर हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनका फेलियर है, समाज का फेलियर नहीं है। समाज जगता नहीं है, समाज जगाना पड़ता है, समाज परिवर्तन होता नहीं है, लाना पड़ता है। तो जितने ही संगठन बने हुए हैं, कर्मचारी कल्याण संगठन, हाँ तो बाम से सब बने हुए हैं, ये सब खुद ही एक मंच पे नहीं आते हैं। देश मुल्क संकट में है, आरक्षण संकट में है, संविधान संकट में है, आई अभी कर्मचारी अपना ही कल्याण में लगे हुए हैं, हजारों संगठन बने हुए हैं। हमारे पास समाज को देने के लिए कर्मचारियों के पास है ना, आरक्षण उन्हीं को मिला, तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं वही दे सकते हैं, तो वो अपने ही कल्याण में लगे हुए हैं। सब मिल के एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला, एक विश्वविद्यालय नहीं खोला, तो नेता चुनाव में थोड़ा ही पैदा होता है। 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आरक्षण पर जो फैसला दिया, प्रमोशन में रिजर्वेशन की राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है, वो चाहें तो दें, ना चाहें तो दें ना दें, उसको लेकर के भारत बंद का भी जो कॉल दिया गया है कल, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है भारत बंद होना चाहिए, लेकिन उसका आउटकम भी निकलना चाहिए। दिस इज ए पॉलिटिकल बैटल, सड़क पे लड़ी जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज करो, नेताओं से सवाल पूछो, अपने नेताओं से भी सवाल पूछो कि सुप्रीम कोर्ट की लीला भी हम जानते हैं, मोस्ट अनअकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो मर्जी है जो जजमेंट देते रहते हैं, उन्होंने आंकड़ा मंगवाया, दूसरी बात वो कह रहे हैं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, तो जब भूपेश बघेल गवर्नमेंट जब आरक्षण बढ़ाती है 27%, तो वहाँ कोर्ट क्यों इंटरफेयर करती है? तो ये समझिए कोर्ट एंटी रिजर्वेशन है, अगला विद्रोह, अगला इनके खिलाफ ही कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ ही समाज को सड़क पर उतरना पड़ेगा, ये
सरकार जो खुद नहीं कर सकती है वही कोर्ट से करवाती है। सरकार में मुकुल रोहतगी था, वो बीजेपी का लॉयर है, तो बीजेपी एंटी रिजर्वेशन है, सारे रिजर्वेशन की हत्या हो रही है लगातार। अभी ओबीसी के लिए नया कानून 27 वर्ष पुराना कानून बदलने जा रही है जिससे कि हजारों की संख्या में ओबीसी को नुकसान होगा, तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर और ओबीसी की हितों की हत्या, ये लीला है, समझ रहे हैं? तो ये जो कह रहा है, तो ये तो अब सड़क पे आना चाहिए नेताओं को, जनता को आना चाहिए कि राज्य सरकार का है तो चलो वोट से हम फैसला कर लेंगे, अगर बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो हम 70% रिजर्वेशन करेंगे, तो वहाँ कोर्ट क्यों इंटरफेयर करती है? क्यों करती है इंटरफेयर जब प्रोपोर्शन, आप बताएं ना, कोर्ट सरकार बताए कि कितने कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो SC ST OBC के हैं, कितने होम सेक्रेटरी हैं, कितने स्टेट में सेक्रेटरीज हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, आंकड़ा देना। तो इनको बहुत जो है ना अलबला गए हैं ये, बेसिकली इनको बहुत आंकड़ा इकट्ठा करने का, CA NRP करने का जो है शौक है। तो एक काम कर लो ना, जाति जनगणना करा लो, ये कौन जात के पास कितना धन है, कितने सरकारी अधिकार, कितने पैसा है, कितने इंडस्ट्री है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? तो जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो कागज नहीं दिखाएंगे हम लोग भी NRC में। एक तरफ जाति खत्म करने की बात करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जाति का जनगणना लाओ, तो इससे तो बढ़ावा दिया जाएगा ना। नहीं, कौन जाति खत्म कर रहा है? जाति एक बार बताओ, यहाँ जो सड़क पे मजदूर घूम रहा है ये गरीबी खत्म करेगा तो खत्म होगा? कि अडानी अंबानी या सरकार की नीतियां जो हैं वो खत्म करेगी तब ना गरीबी खत्म होगा। तो जाति खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की नहीं, समाज की। और समाज के शीर्ष पे कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो जाति दलित बोले कि हम जाति, हम कह रहे हैं हम जाति नहीं मानते हैं, मैंने खत्म कर दिया, बताओ। लेकिन मेरी जाति कौन है? मेरा वाइस चांसलर तो जानता है, सरकार तो जानता है कहाँ हमको दबाना है, कहाँ भेदभाव करना है, वो तो करेगी ही करेगी। तो हमारे खत्म करने से नहीं जाति खत्म होगा। जाति ब्राह्मणों ने, पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने बनाई है, जब वो जाति खत्म करने का आंदोलन वो चलाएंगे, जब रोटी बेटी का रिश्ता होगा, भाई भाई मिलेंगे, आप दलित के घर मत जाओ खाना खाने, अपने घर में दलितों को बुलाओ, अपने सोफा पे बैठाओ, डाइनिंग टेबल पे खिलाओ, समझ रहे बा? तब जाति वो खत्म करेंगे, तब जाति खत्म होगी। तो जाति ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। आप ये जिम्मेदारी समाज के सवर्णों की जिम्मेदारी है, दलित ये खत्म करने से नहीं होगा। चलो मैंने खत्म कर दी मेरी जाति, बताओ सरकार को नहीं पता है मेरी जाति क्या है, मैं जाऊंगा इंटरव्यू देने, मैं 10 किताब लिख के जाऊंगा प्रोफेसर का इंटरव्यू देने, और उधर से गाइड लिख के आएगा, कोई एंटीना ऐसे दिखाएगा, उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो हम तो नहीं माने जाति, तो क्या हुआ? सर्वे करा लो ना सारे संस्थाओं का, ये जाति कोई खत्म होता नहीं हो रहा है। जाके वेबसाइट देख लो, ब्राह्मण महासभा, करनी महासभा, तो फलना वेबसाइट देखो, मैट्रिमोनियल साइट देखो, पढ़े लिखे लोगों को देखना है तो जाके अंग्रेजी अखबार देख लो संडे को, ये जाति खत्म कर रहे हैं। ये जाति तो चूंकि अब दलित पिछड़े लोग थोड़ा सा आप लोग की वजह से, आप लोग का शुक्रिया है कि हमारी आवाज जा रही लोगों तक, वो असर्ट कर रहे हैं, तो इनको लगता है जाति बढ़ रहा है। जाति हम थोड़ी बढ़ा रहे हैं, जाति तो हजारों साल से आप बढ़ा के रखे हो, आप बना के रखे हो, हम तो चाहते ही जाति खत्म हो। आओ ना भाई, जिस चुनाव के समय अमित शाह चाहे राहुल गांधी दलित के घर जाते हैं, अब उनको चाहिए कि उन दलितों को बुलाओ, आप पाँव मत धो, 2 दिन अपने घर पे रखो, आपके बाथरूम में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, खाना खाएंगे, अंकल आपको बोलेंगे अंकल अंकल, आप लॉलीपॉप दो उसको, खिलाओ बेटा की तरह रखो, अपने आपके बच्चों के साथ टेनिस खिलवाओ, क्रिकेट खिलवाओ बच्चों के साथ, तब ना जाति खत्म होगी।